शादी का झांसा देकर युवतियों और महिलाओं को गुमराह करना आम बात हो गई है। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिनमें आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर कैफे में ले जाकर दैहिक शोषण किया गया। ऐसा एक मामला जबलपुर के मदन महल थाने में सामने आया, जहां एक शिकायत दर्ज कराई गई। इस शिकायत में फरियादी ने निक्की ठाकुर नामक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट लिखी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के आला अफसरों का दावा है कि शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले निक्की ठाकुर को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना मदन महल में एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक अनाविदक है, आरोपी निक्की ठाकुर के द्वारा फरियादिया को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। इसकी रिपोर्ट फरियादिया द्वारा की जाने पर थाना मदन महल में आरोपी निक्की ठाकुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 125/22, धारा 376(2)(n), 376(2)(h), 506 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी आरोपी निक्की ठाकुर फरार है, जिसको शीघ्र ही पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।